ट्रेनिंग का तो फर्स्ट डे में ये बताया था इंदु मैम ने कि कितनी तरह के ई कंटेंट होते हैं, ई कंटेंट का मतलब क्या है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ई कंटेंट का क्या अर्थ है वो आपको मालूम होगा। ई सामग्री क्या है, कितने प्रकार की ई सामग्री होती है, और किन बच्चों के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, किस टॉपिक के लिए हमें किस प्रकार की ई सामग्री को डेवलप करना है, उतना हमको इतना नॉलेज अभी तक हमने गेन कर ली होगी, इतना हमने सीख लिया होगा। तो अगर हमने जब ई कंटेंट के बारे में समझा और ई कंटेंट कैसे डेवलप कर रहे हैं वो भी हम सीख ही रहे हैं, धीरे धीरे डे बाय डे हम ये सीख रहे हैं कि ई कंटेंट जो है या ये सामग्री जो है उसे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम ई कंटेंट को समझते हैं और हमें ये भी पता है कि ई कंटेंट हमने डेवलप कर लिया, अब तो क्या हम को तो जैसे हमने डेवलप किया उसे हम एज इट इज ही हम यूज कर सकते हैं अपने टारगेट ग्रुप के साथ? आपको लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छा लेसन प्लान, जो एक इंटरेक्टिव लेसन प्लान मैंने बना लिया अपनी क्लास के लिए, जिसपे मैंने मल्टीपल टाइप ऑफ ई कंटेंट जो है वो एम्बेड कर लिया अपने लेसन प्लान में, तो अब जो मैंने ऑडियो क्रिएट किया अपनी क्लास के लिए, अब मैंने जो एक वीडियो क्रिएट किया है, क्या वो मुझे ऐसे ही अपने बच्चों को दे देना चाहिए? या मान लीजिए कि मैंने किसी और टारगेट ग्रुप के लिए क्रिएट किया है, मेरा कहीं कोई वर्कशॉप है, अपनी ऑडियंस के लिए मैंने ई कंटेंट बनाया है, एक मैंने अच्छा सा वीडियो बनाया है, तो मुझे क्या एज इट इज ही वहां पे शेयर कर लेना चाहिए किसी और ऑडियंस के, अब जहाँ जिस भी जो भी मेरी ऑडियंस है, या उसको हमें पहले चेक करना चाहिए कि वो ई कंटेंट जो है वो सही है या नहीं है, जिस ऑडियंस के लिए मैंने बनाया है उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, प्रत्येक क्लास की अपनी आवश्यकता होती है ऑब्वियसली, यस, नीड टू चेक फर्स्ट। तो अगर हम चेक करते हैं, अगर हम वैलिडेट करते हैं, ऑब्वियसली मैं आपके रिमार्क्स भी देख रही हूँ साथ में, तो हमें क्या चेक करना है, क्या हमें वैलिडेट करना है, यही सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना, और पीपीटी हम देखते हैं। तो मेरा स्क्रीन आप सबको विजिबल है? ई कंटेंट इवैल्यूएशन और ई कंटेंट यानी ई सामग्री का मूल्यांकन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें कब आवश्यकता पड़ती है ई सामग्री को मूल्यांकित करने की, क्या क्या जरूरत है हमें ई कंटेंट का मूल्यांकन करने की? तो अगर हम मूल्यांकन उसका करते हैं, किसी भी चीज का अगर हम मूल्यांकन करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले कुछ फोकस एरियाज जो है वो डिसाइड करने पड़ेंगे कि किन फोकस एरियाज पे हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर हम ई कंटेंट इवैल्यूएट करने हैं तो हमारे जो फोकस एरियाज हैं वो हमने पॉइंटर्स में यहाँ लिख रखे हैं, वो है व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ई कंटेंट व्हिच नीड्स टू बी इवैल्यूएट। तो सबसे पहले ई कंटेंट जो है जो हमने बनाया है, हमें तो सबसे पहले ये समझना है कि ई कंटेंट हम बना क्या रहे हैं, किस प्रकार का हमारा ई कंटेंट है जिसे हमें इवैल्यूएट करना है, और इस कंटेंट को इवेल्युएट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, व्हाई दिस ई कंटेंट नीड टू बी इवेल्युएटेड, और अगर इसकी आवश्यकता है तो हमें क्या प्रोसेस अपनाना है, क्या मेथड अपनाना है, इन ई कंटेंट को, ई सामग्री को हमें इवेल्युएट कैसे करना है। तो यही सारी चीजें अभी जो है हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी सेशंस हमारे चले अभी तक, ये बड़े इंटरेस्टिंग सेशंस थे, आपने ब्रेकआउट रूम में भी जाके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ई कंटेंट क्रिएट करना आपने सीख लिया, तो अभी हमें लगता है कि हम थोड़ा सा तो ई कंटेंट क्रिएट कर ही सकते हैं अपने बच्चों के लिए या जो भी हमारी ऑडियंस है, तो हम बड़े अभी क्या है एंथुजियास्टिक हैं ई कंटेंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये सेशन रखने का पर्पज ही ये है कि हमने अगर ई कंटेंट क्रिएट करना सीखा भी है तो हमें अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, जो हमारा टारगेट ग्रुप है उस तक पहुंचाने के लिए हमें उस ई सामग्री को, उस ई कंटेंट को मूल्यांकन भी उसका करना है, उसे इवेल्युएट भी करना है, ताकि एक हम सही कंटेंट, एक गुड कंटेंट, एक वैलिडेटेड कंटेंट, एक रिलायबल कंटेंट हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचा पाए। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ई कंटेंट क्या क्या है, और या कितनी ई सामग्री जो है, कितने प्रकार की ई सामग्री है जिनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, जिनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं।
तो जब फर्स्ट सेशन अगर आपको याद होगा मैम का जो था इंदु मैम का, उसमें मैम ने टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट आपके साथ शेयर किए थे और वो कैसे बनाए जाते हैं, किन किन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, किन एप्लीकेशन की हेल्प से बनाए जाते हैं, वो सब मैम ने आपके साथ डिस्कस किया था। और मैम ने आपको ये भी बताया था कि एनसीईआरटी ने कितनी गाइडलाइन जो है वो डेवलप करी है, जिसमें एक गाइडलाइन है डेवलपमेंट ऑफ ई कॉन्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ ई कॉन्टेंट की भी एक गाइडलाइन जो हमारी वेबसाइट पे पड़ी है, उसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्टेंट को डेवलप करने का क्या तरीका है और उसे इवेल्युएट करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ ई कॉन्टेंट। अगर हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो आप लोगों ने इसकी पिक्चर्स भी क्लिक कर ही ली है मुझे उम्मीद है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टेंट इज ऑडियो, ये हमने अपनी एक सेशन में सीख लिया कि ऑडियो रिसोर्सेज जो है वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। हमने देन द अनदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज वीडियो, ये भी हमने एक सेशन रखा था कि वीडियो रिसोर्सेज कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। सिमुलेशंस का एक सेशन रखा गया था, एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो आज आपने सीखा। मैम ने, प्राची मैम ने बताया कि स्टॉप मोशन के हेल्प से एनिमेशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है। जी मैं बता रही हूँ इंटरैक्टिव पे आती हूँ, इंटरैक्टिव कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है ये भी हमने सीखा। अगर आपने सेशन सुना होगा सुषुम्ना मैम का, सुषुम्ना मैम ने आपको इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने का जो था पूरा तरीका वो समझाया था लूमी के जरिए। लूमी एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप इंटरैक्टिव कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। देन ई बुक्स, ई बुक्स का सेशन हमारा कल होने वाला है, बट ई बुक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टेंट, यानी बुक्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड ई बुक्स। अच्छा अभी ब्रेकआउट रूम में कोई है? मैं एडमिन से बोलती हूँ कि ब्रेकआउट रूम प्लीज चेक करें। ओके थैंक यू फॉर मैसेजिंग। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे वन टाइप ऑफ कंटेंट इज इमर्सिव कंटेंट। इमर्सिव कंटेंट भी एक प्रकार का ई कंटेंट है। इसका सेशन मैम ने लिया था, प्रवीण मैम ने लिया था कल, अगर आपने उनका सेशन सुना हो, जिसमें मैम ने ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और इवन मिक्स रियलिटी की भी बात की थी। तो ये भी एक प्रकार का ई कंटेंट है। एक सेकेंड मैम, मीनू मैम को पहले ब्रेकआउट ग्रुप से जो है निकलवाती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस yes, okay, आगे हम चलते हैं एनर्जाइज टेक्सटबुक्स के ऊपर। तो एनर्जाइज टेक्सटबुक के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट सेशन में। इंदु मैम ने ही बताया था कि एनर्जाइज टेक्सटबुक जो है वो क्या होती है। एनर्जाइज टेक्सटबुक्स वो होती है द टेक्सट बुक विच हैज द QR कोड एंड ऑल्सो देर इज सम कंटेंट लिंक विद दोज QR कोड्स। यानी एनर्जाइज टेक्सटबुक्स पे QR कोड्स होते हैं, जैसे कि हम अगर आपने दीक्षा को एक्सप्लोर किया होगा, दीक्षा में जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं वो सारी एनर्जाइज फॉर्म में है। उन सब पे क्यूआर कोड एम्बेडेड है और उस क्यूआर कोड में जो है मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो एम्बेड है। यानी उन क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी रिसोर्सेज हैं तो वो सारी रिसोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे। देन अदर टाइप ऑफ ई कंटेंट जो है दैट इज विजुअल। विजुअल की अगर आप आते थे विजुअल रिसोर्सेज या ग्राफिक रिसोर्सेज का भी आपका सेशन हो चुका है। विजुअल रिसोर्सेज में इमेजेस आते हैं एंड ग्राफिक्स आते हैं, ये सारी रिसोर्सेज भी आई होप आप फेमिलियर होंगे इनसे। देन द अनदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज टेक्स्ट। तो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट रिसोर्स। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बड़ा ही सादा सा सवाल है ये। आप इसमें से जो अभी हम बात कर रहे हैं, जितनी भी रिसोर्सेज अभी हमने आपको बताई, इसमें से कोई भी
किसी भी एक रिसोर्स का आप एग्जाम्पल या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कि अगर विजुअल रिसोर्स की हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। टेक्स्ट रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें किस किस तरह का कॉन्टेंट आता है। वेरी गुड, बुक आ गए टेक्स्ट रिसोर्सेज में, ई बुक्स आ गई। पीपीटी या टेक्स्ट रिसोर्स में आएगी, आप साथ में रिसोर्स का नाम ले लीजिए। पीपीटी, आप पीपीटी में अगर आपने ग्राफिक्स ऐड करे हैं, ये तो आप अलग अलग तरह के रिसोर्सेज बता रहे हैं। हाँ, ये जो ब्रॉड कैटेगरीज हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें कौन कौन सी रिसोर्सेज आ रही है वो सब आप बता रहे हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्टेंट के साथ उसका एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, बट ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आप जो रिस्पॉन्स यहाँ पे दे रहे हैं, पीडीएफ जो है वो टेक्स्ट आ सकता है, न्यूज़पेपर इज अ एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट रिसोर्स। देन अनदर टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ ई कंटेंट में कहा था रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी हमने ई कंटेंट डेवलप करना सीखा वो किसी ना किसी एप्लीकेशन पे ही करना सीखा। तो इसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, जैसे हमने कल आपको ग्राफिक रिसोर्सेज में बताया कि आपको इन दो प्लेटफॉर्म पे आपको अपना माइंड मैप या आपको कॉन्सेप्ट मैप जो है वो क्रिएट करना है। तो अगर हम किसी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो उससे पहले हमको ये देखना है कि क्या ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन मेरे बच्चे भी यूज कर पाएंगे, मेरे स्टूडेंट, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टीचिंग का टाइम है और कभी कभी हमको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, ऑनलाइन एग्जाम्स भी लेने पड़ते हैं, ऑनलाइन बच्चों का असेसमेंट भी करना पड़ता है। तो जब हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं तो कोई ना किसी प्लेटफॉर्म का हम यूज जरूर करते हैं। हाँ, मैंने एग्जाम्पल्स देख लिया, अब आप एग्जाम्पल्स मत लिखिए चैट बॉक्स पे प्लीज। ठीक है, तो अगर हम ऑनलाइन असेसमेंट करते हैं तो हमें किस तरह की एप्लीकेशन का हमको यूज करना है। नॉर्मली हम जो है गूगल का ही यूज करते हैं, गूगल की जितनी भी वो है फीचर्स है उन्हीं का यूज हम करते हैं असेसमेंट के लिए। गूगल क्लासरूम एक जो है बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्लास भी ले सकते हैं, जिसमें आप असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो हम गूगल क्लासरूम क्यों करते हैं यूज, क्योंकि हमें पता है कि गूगल क्लासरूम जो है वो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी पता होना हमको बहुत जरूरी है। जैसे आपने यहाँ जूम का एग्जाम्पल दिया आपने चैट बॉक्स में, इनिशियली जब हमने जूम स्टार्ट किया था यूज करना तो जूम के बारे में बहुत सी हमने बातें सुनी थी कि ये बिल्कुल सेफ नहीं है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रह पाती है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है, आपका डेटा चला जाता है। तो जूम के बारे में आपने भी बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है जूम एक रिलायबल प्लेटफॉर्म बन गया ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जिनकी हेल्प से, जैसे गूगल मीट है उसकी हेल्प से आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन आप असेसमेंट दे सकते हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी इंटरनेट एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी होता है कि ये कितनी रिलायबल है, क्योंकि उसे सिर्फ मैं यूज नहीं कर रही हूँ, उसे पूरा स्कूल के अध्यापक जो है वो यूज कर रहे हैं और उसी को मेरे बच्चे भी यूज कर रहे हैं। तो रिलायबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से गेम्स हम क्रिएट करते हैं, तो गेमिफाइड लर्निंग का नाम आपने सुना होगा कि खेल खेल में बच्चों को हम जो है बहुत कुछ लर्न कराना सिखाते हैं, स्पेशली जब वो प्राइमरी क्लासेस में होते हैं। गेमिफाइड कंटेंट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसका इवैल्यूएशन भी जरूरी है, लेकिन क्या इवैल्यूएट करेंगे आप? आपका सवाल ये कि इवैल्यूएशन तो हमको सबका करना है, मगर इसमें हमें क्या इवैल्यूएट करना है, तो वही चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके सामने हमने प्रेजेंट करी है सिर्फ ई कॉन्टेंट कितनी तरह का होता है। ई जर्नल्स से आपने नाम सुना होगा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स हैं बहुत सारे, टीचर्स जो है अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए बहुत सारे जर्नल्स को जो है वो सब्सक्राइब कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को। जैसे अगर आप साइंस के टीचर्स हैं तो साइंस के जर्नल्स को आपने जो है सब्सक्राइब कर लिया, मैं अगर एजुकेशन की हूँ तो फेमस एजुकेशन के जो जर्नल्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लिया। तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी है एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते कि मैं जिस भी जर्नल को सब्सक्राइब कर रही हूँ वो जर्नल क्या वैलिड है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचा रही है या नहीं। तो
मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट जितना भी है जो क्रिएट किया गया है, यानी कि जो क्यूरेट हम कर रहे हैं या जो हम क्रिएट कर रहे हैं, हर तरह के कंटेंट का मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है। देन डेटाबेस है, प्रेजेंटेशंस है, ये सारे टाइप ऑफ कंटेंट। हाँ जी, मैं आपके चैट बॉक्स में भी आपके एग्जाम्पल्स देख रही हूँ। डिजिटल लाइब्रेरी है ऑब्वियसली, जर्नल्स है, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरीज है उसमें भी आप तभी अपने आपका लॉग इन आप क्रिएट करेंगे, अपना वही उधर ही साइन अप आप करेंगे जहाँ आपको लगेगा कि आपको आपके एरिया की आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपके आप इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल पाएगी। हाँ, ये यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल का एक एग्जाम्पल दिया मनोहर जी ने। तो यूजीसी ने क्यों रखे अपने लिस्ट में इतने सारे जर्नल? भाई दुनिया में बहुत सारे जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन यूजीसी ने कुछ सिलेक्टेड ही जर्नल्स को अपने पास रखा, उन्हीं की लिस्ट जो है जारी करी कि भाई इसी में आप पब्लिश करवाएंगे तभी आपका पब्लिकेशन जो है वैलिड होगा। तो क्या सोच के यूजीसी ने उन सबको रखा? तो उसने भी तो यही सोचा होगा ना कि ये जर्नल कितने रिलायबल है, इनका जो इंडेक्स फैक्टर है वो कितना है, इम्पैक्ट फैक्टर है जो वो कितना है ना, जर्नल से इम्पैक्ट फैक्टर काउंट किया जाता है। और हम भी जब अपना पेपर पब्लिश करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई किस जर्नल का कितना इम्पैक्ट फैक्टर है। फिर अब बात करते हैं हम कि ये कंटेंट इवेल्युएट करने हमें क्यों आवश्यक है, ये अभी हम बात कर ही रहे थे कि ई कंटेंट हमने कहीं से चाहे लिया चाहे हमने अपना क्रिएट करा तो उसका हमें क्यों, हमें उसे इवेल्युएट करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों हमें उसे इवेल्युएट करना है? सबसे पहले हम यही जो अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें रिलायबिलिटी उसकी देखनी है और उसकी हमें वैलिडिटी देखनी है। अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या चीजें हैं, हम बहुत यूज करते हैं ये टर्म्स। ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, व्हाट इज रिलायबिलिटी एंड व्हाट इज वैलिडिटी? यस, वेरी गुड जी, मैं आपके रिस्पॉन्सेस पढ़ रही थी जो आपने चैट बॉक्स में देखा। रिलायबिलिटी जैसे कि सर इधर लिखा था किसी ने, कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी का मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि जितनी बार भी आप जो है कुछ कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ई कॉन्टेंट जो है जितनी बार भी यूज किया जाएगा उसका जो है इफेक्ट उतना ही रहेगा जो पहली बार यूज करने में था। वैलिडिटी का मतलब ये ही हुआ, यस आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं, एक्यूरेसी या करेक्टनेस, कि वो रिजल्ट्स वही दिखा रहा है, वो कंटेंट के रिजल्ट वही मिल रहे हैं हमें जो जब पहली बार उसे टेस्ट किया था वही आज के टाइम में भी हमको मिल रहा है रिजल्ट। सो नेक्स्ट वन इज क्या हमें असेस करना है, हमें देखना है कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी है ऑब्वियसली। हमें ऐसा ही कंटेंट क्रिएट नहीं करना है जिसमें कि बहुत ज्यादा कॉस्ट जा रही हो, हमें ये देखना है कि कम से कम कॉस्ट में जो है हम एक अच्छा ई कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछले सेशंस हुए थे सर ने, आपने वीडियो रिसोर्सेज बनाना सीखा और अजीत सर ने ऑडियो रिसोर्सेज के बारे में बात करी, तो उन्होंने आपको बताया कि भाई जब आप ऑडियो क्रिएट कर रहे हैं तो हम देखें अगर हम ऑडियो क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा माइक हो, बहुत ही हाई क्वालिटी का, और हमारा कमरा जो है साउंड प्रूफ हो और तब हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी होगी। लेकिन साउंड प्रूफ बनाने में कमरे को तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, वो जो आप माइक खरीदेंगे वो भी कोई बहुत सस्ता नहीं आएगा। हमें कॉस्ट इफेक्टिव ऑडियो रिसोर्स क्रिएट करनी है, तो सर ने उसका एक बहुत अच्छा तरीका बताया था अगर आपको याद हो, कि ऐसे कमरे में जाके रिकॉर्डिंग करिए जहाँ बहुत ज्यादा सामान हो, तो हमारी आवाज क्या होगी, गूंजेगी नहीं। या सर ने एक चीज और बताई थी कि जब वो रिकॉर्ड करते हैं तो वो कंबल ओढ़ के उन्होंने रिकॉर्ड किया था एक बार, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव आइडिया है कि हम अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ऐसी जगह जाके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी ऑडियो जो है बहुत ही क्लियर बने। इसी तरीके से और भी तरह की रिसोर्सेज हैं, उन सबको क्रिएट करते हुए टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कॉस्ट बहुत ज्यादा उसमें ना जाए ऑब्वियसली।
देन अप्रोप्रिएटनेस एज पर द नेचर ऑफ कंटेंट, कि जिस भी प्रकार का कंटेंट आप बना रहे हैं उसकी अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग, किस मेथड में आप यूज कर रहे हैं, आपका जो टीचिंग का जो मेथड है उसमें वो कितना अप्रोप्रिएट है। जब आप वो टीचिंग करते हैं, आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो आप वहां पे एक मेथड भी मेंशन करते हैं कि मैं किस मेथड से पढ़ा रहा हूँ। और मेथड हम वही सोच के लिखते हैं कि जो भी हमारे चैप्टर से बिल्कुल मैच कर रहा हो। ओके, यानी कि अगर मेरा टॉपिक ये है कि मुझे किसी राज्य का शासन दिखाना है सोशल साइंस में, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं जो रोल प्ले मेथड एक यूज कर लेती हूँ, रोल प्ले की एक्टिविटी जो है वो यूज कर सकती हूँ। या मुझे अगर कोई पुरानी हिस्ट्री का कोई सीन दिखाना है, कोई वॉर दिखानी है, तो या तो मैं बच्चों को कहूंगी कि भाई ये कोई, मैं एक क्लिपिंग ले आऊंगी, वो क्लिपिंग बच्चों को दिखाऊंगी। तो उसी हिसाब से जब आप कोई ई कंटेंट यूज करते हैं अपने लेसन प्लान में, तो आपको ये देखना है कि मेरे लेसन प्लान में कौन सा ई कंटेंट जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, और सबसे लास्ट थिंग जो जिसकी बात रिजाउल सर ने करी थी, लाइसेंसिंग। रिजाउल सर का सेशन अगर आपने सुना होगा तो सर ने लाइसेंसिंग के ऊपर आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। तो अगर हम क्यूरेटेड कंटेंट ले रहे हैं, अगर हम ऑलरेडी क्रिएटेड कंटेंट, किसी और का कंटेंट अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हमें उसका लाइसेंसिंग चेक करनी है। लाइसेंसिंग से मतलब ये है कि हमको ये देखना है कि उस क्रिएटर ने, जिसने भी वो पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएट किया है, उसने क्या परमिशन दी है उस कंटेंट की। क्या हम उस कंटेंट को फ्रीली यूज कर सकते हैं, क्या हम उस कंटेंट को कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, क्या हम उस कंटेंट को रिपर्पस कर सकते हैं। तो जितनी भी बातें सर ने बताई थी लाइसेंसिंग की, आपको भी पता होगा लाइसेंसिंग क्या है। तो लाइसेंसिंग का स्पेशली हमको ध्यान रखना है। और अगर हम अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो अपने कंटेंट की भी लाइसेंसिंग हमको करनी है कि हम क्या परमिशन देना चाह रहे हैं यूजर को। तो इन सब चीजों का ध्यान हमको रखना है ई कंटेंट इवैल्यूएट करते समय। फिर हम बात करते हैं प्रोसेस की या मेथड की, कि क्या मेथड हमको अपनाना है ई कंटेंट क्रिएट करने के लिए, या सॉरी इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, हमने स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले हमको देखना है टारगेट ऑडियंस, फिर हमें देखना है कंटेंट। अब आप देख रहे हैं कि इसमें पॉइंटर है, और पॉइंटर के आगे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो टारगेट ग्रुप में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें एज ग्रुप का ध्यान रखना है, हमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान का ध्यान रखना है, सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड का ध्यान रखना है, उसका जो लर्निंग स्टाइल है, जैसे कि आपने बताया कि हर बच्चे की जो है अलग नीड होती है। क्लासरूम एक डाइवर्स रूम होता है, डाइवर्स लर्निंग नीड्स होती है उसमें बच्चे की, उसका हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग है। तो लर्निंग स्टाइल क्या है आपके बच्चों का, लैंग्वेज आप क्या यूज कर रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझ पा रहा है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन उसका आपको ध्यान रखना है, इमोशनल डेवलपमेंट, देन एबिलिटी लेवल, सोशल डेवलपमेंट एंड अदर एस्पेक्ट। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आ सकते हैं, ये कुछ हमने इसमें लिखे हैं टारगेट ऑडियंस में, ये सारे नहीं है, कुछ मेंशन करें हैं। बट जैसा भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको टारगेट ऑडियंस का ध्यान रखना है, और फिर आपको ये सोचना है कि मुझे ये कंटेंट अब कैसे डेवलप करना है। फिर दूसरा जो स्टेप है, या ये हम पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ ई कंटेंट, इसमें जो दूसरा पैरामीटर है वो है कंटेंट। तो कंटेंट जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो किस चीज का हमको ध्यान रखना है, मतलब अगर हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं, सपोज आप ऐसे एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल अगर मैं बताती हूँ, आप कॉपी चेकिंग करते हैं, तो कॉपी चेकिंग जब आप करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, हम कह रहे हैं हमें बच्चे की कॉपी चेक करना है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो आप उसमें यही देखते हैं ना कि बच्चे ने सही कितना करा है, क्या गलत करा है, और अगर कहीं कुछ गलत किया होता है तो आप उसमें रिमार्क्स लिखते हैं कि इसका सही क्या होता है। टीचर का यही काम होता है कि अगर हमने किसी चीज को रॉन्ग भी कर दिया तो हमें यहाँ पे ये लिखना है कि क्या सही होना चाहिए था।
तो कंटेंट को इवैल्यूएट करते समय एक एक पैरामीटर ये भी है कि हमको एक्यूरेसी देखनी है कि कंटेंट जो भी हम बना रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। फिर रेलेवेंस, जिस टारगेट ग्रुप के लिए आप बना रहे हो उसके उसके उसको रिलेट करता हुआ कंटेंट होना चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए। वेरी गुड, लैंग्वेज स्पेलिंग राइटिंग ठीक है, सही आपने लिखा। हमने अपने इधर स्लाइड में भी ये चीजें इंक्लूड करी हैं। फिर आप देखें कंटेंट कवरेज, यानी जिस भी कंटेंट को लेके आप वो पर्टिकुलर ई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं उसका कवरेज हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट दे रही हूँ अपने ई कंटेंट में। अगर कोई ई कंटेंट मैंने अपने किसी एक चैप्टर के लिए क्रिएट किया है तो उस चैप्टर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कवर होनी चाहिए। हाँ, देन द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अपडेटेड अलाइंड विद करिकुलम, करिकुलम से अलाइंड होनी चाहिए, स्पेशल कॉन्टिजिटी होनी चाहिए, टेम्पोरल कॉन्टिजिटी, स्कोप एंड डेप्थ, अप्रोप्रिएटनेस टू टारगेट ऑडियंस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इंटेग्रेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। देन इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता है, कोई भी पैरामीटर अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर नहीं है तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ, नियर बाय साउंड थिंग्स इंक्लूडेड, नहीं आसपास कोई साउंड नहीं है, कोई भी नहीं है आपको तो कोई ऐसी आसपास की साउंड नहीं आ रही है। देन द नेक्स्ट पैरामीटर इज पीपीटी शेयर हो जाएगी प्लीज। पीपीटी शेयर आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे क्लास में बच्चे कहते हैं कि मैम नोट दे दो बस, पढ़ाओ मत, नोट्स दे दो। मुझे इस वक्त वही फीलिंग आ रही है। तो नोट्स तो आपको मिल जाएंगे लेकिन इसको समझ भी लीजिए, क्लास में असेसमेंट भी होगा ना। तो देन द नेक्स्ट पैरामीटर इज पेडागॉजिकल कंसिडरेशन, हम सब बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे बिकॉज वी ऑल आर पेडागॉग। सो हमको ये क्लियर होना चाहिए कोई भी कॉन्टेंट डेवलप करते समय के ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्टेंट क्रिएशन के मेथड ऑफ डिलीवरिंग कॉन्टेंट, मीडिया सिलेक्शन, कि जिस भी हम मीडिया का यूज कर रहे हैं अपने ई कंटेंट में, ई कंटेंट कोई एक तरह का तो होता नहीं है, मल्टीपल मीडिया मिला के भी आप ई कंटेंट में क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आप अगर आप एक वीडियो बना रहे हैं अच्छी सी बच्चों के लिए, तो उस वीडियो में सिर्फ वीडियो तो नहीं होगी ना, उसमें आप साउंड भी ऐड करेंगे, उसमें आप म्यूजिक भी ऐड करेंगे, उसमें आप हो सकता है छोटा सा कोई पिक्चर्स भी ऐड करें, कोई थोड़ी सी ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते करें। तो जो भी मीडिया सिलेक्शन आप कर सकते हैं उसको भी आपको ये ध्यान में रखना है कि इट शुड बी सुटेबल विद द पेडागॉजी। द प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट फ्री फ्रॉम बायस, ये सारी चीजें जो है, मैं अब एक एक पॉइंट इसका मैं रीड नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारे कलरफुल बॉक्स आप देख रहे हैं, दीज आर द क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ ई कॉन्टेंट। इन सारे पैरामीटर्स को जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखना है। और यही चीजें आगे हम एनसीईआरटी ने अपना एक टूल डेवलप करा था, ई कंटेंट डेवलप, ई कंटेंट इवैल्यूएशन का, वो ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल भी मैं जो है अभी आपके साथ डिस्कस करूँ। फिर आप देखेंगे पेडागॉजिकल कंसंट्रेशन के बाद प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आया 3 स्टेप्स के बाद। आप देख रहे हैं सबसे पहले हमें सोचना है टारगेट ऑडियंस, फिर हमें कंटेंट का ध्यान रखना है, पेडागॉजिकल कंसंट्रेशन कंसिडरेशंस का ध्यान रखना है, फिर हमको ध्यान रखना है, फिर हमको देखना है इसका एक क्राइटेरिया है प्रेजेंटेशन का कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है ऑडियंस के आगे। उसके बाद हमें देखना है टेक्निकल फीचर्स, टेक्निकल फीचर्स में आ जाता है फाइल फॉर्मेट, आर्किटेक्चर यानी जिस आर्किटेक्चर पे वो बिल्ड हुआ है फॉर्मेट, यूजेबिलिटी, इंट्रैक्शन, नेविगेशन, एडाप्टेशन, रीयूजेबिलिटी, मेटा डेटा एटसेट्रा। देन द लास्ट पैरामीटर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिडरेशंस, इसमें आ गया आपका कॉस्ट, डिलीवरी मैकेनिज्म, सपोर्ट सर्विसेज, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर अदर थिंग। हाँ जी, सो हाउ इट शुड बी इवैल्यूएटेड, अभी हमने बात की प्रोसेस की कि कैसे इवेल्युएट, किन किन क्राइटेरिया का, किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है किसी भी ई कंटेंट को इवेल्युएट करते समय।
अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ इट शुड बी इवेल्युएटेड, यानी जो मेथड हमने दिया है इसको कहते हैं हम इवेल्युएट करेंगे। वी नीड टू हैव कंटेंट इवेल्युएशन टूल बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स। हमने ये सारी चीजों की बात कर ली है, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हमको नेचर ऑफ कंटेंट का ध्यान रखना है, हमने पेडागोजिकल कंसंट्रेशन का ध्यान रखना है, हमको जितने भी पैरामीटर्स अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में करे थे डिस्कस, इन सब का ध्यान रखना है। लेकिन ये कैसे कैसे किया जाएगा, तो इनको कहीं हमें फ्रेम आउट हमें करना पड़ेगा। तो ये जितने भी पैरामीटर्स हमने आपको दिखाए थे, इन सारे पैरामीटर्स की बेसिस पे एनसीईआरटी ने एक इवैल्यूएशन टूल डेवलप किया, जिसका लिंक हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ताकि हम आपके साथ ये टूल और फॉर्मेट या पैरामीटर जो है, तीन चीजें आपके साथ हम शेयर कर सकें। तो अब हम पहले लिंक को अगर हम खोलते हैं तो इसमें आप देखेंगे पैरामीटर्स फॉर ई कॉन्टेंट इवेल्युएशन। ये टूल आपको सीआईटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा रिसोर्सेस के अंडर। जब आप चाहेंगे सीआईटी की वेबसाइट आप खोलेंगे, उसमें आप मेन्यू में देखेंगे जो रिसोर्सेज वाला मेन्यू है उसमें आपको ई कंटेंट इवेल्युएशन टूल मिल जाएगा। ठीक है, इस टूल को ओपन करने के बाद आप देखेंगे देर आर सम पैरामीटर्स गिवन। पहला पैरामीटर है फैक्चुअल एक्यूरेसी। तो इन टोटल देर आर 10 पैरामीटर्स। और इन्हीं पैरामीटर्स की हेल्प से हम लोग भी कंटेंट का इवैल्यूएशन करते हैं। आप लोग को सबको पता होगा कि हम सीआईटी जो है, या एनसीईआरटी अपना भी कंटेंट डेवलप करती है और हम लोग बाहर से भी कंटेंट लेते हैं। तो इतना सारा कंटेंट जब हमारे पास आता है तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कंटेंट इवैल्यूएशन की, तो हम भी तो इवैल्यूएट करते ही होंगे। कहीं भी हमें किसी भी अपने इनिशिएटिव पे अगर कोई कंटेंट को लेके जाना है, तो हम पहले उसको ये जांच लेते हैं कि कंटेंट क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है। और क्वालिटी कंटेंट जानने के लिए हमें इन सब पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है। तो एक किसी भी ई कंटेंट को इवैल्यूएट कराने के लिए, सपोज अगर आपने बनाया साइंस पे कोई कंटेंट बनाया, ठीक है, तो मैं मुझे अब उस कंटेंट को इवैल्यूएट कराना है, तो मुझे साइंस का ही कोई एक्सपर्ट देखना पड़ेगा जो कि उसको कंटेंट को इवैल्यूएट करे इन पैरामीटर्स पे। तो हमारे पास जो एक रिव्यू टीम है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम है हमारे पास, जो हर कंटेंट को, जो भी एक एक कंटेंट हमारे पास आता है, उस एक एक कंटेंट को इवैल्यूएट करती है और उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे वो रिमार्क्स भी देती है। जैसे आप लास्ट कॉलम में देख रहे होंगे कि ये रिमार्क का या रेटिंग का कॉलम है, इसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारी रिव्यू टीम है, वो इसमें रिमार्क देती है और उस रिमार्क के बेसिस पे जो उस कंटेंट में अगर कोई भी कमी होती है तो वो कंटेंट फिर से करेक्ट होके आता है। और जब तक कि वो बिल्कुल करेक्ट नहीं हो जाता, बिल्कुल वो एक्यूरेट नहीं हो जाता बिल्कुल भी, वो ऑडियंस तक पहुंचाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक उसे अपलोड नहीं किया जाता। तो इसलिए हम आपसे ये बता रहे हैं कि कोई भी कंटेंट अगर आप क्रिएट करते हैं, अपना भी कंटेंट क्रिएट करते हैं या कंटेंट आप कहीं से लेते हैं, तो उसका इवैल्यूएशन जरूरी है। कि लेने का मतलब ये है कि आजकल आपको पता ही है कि जब भी आप गूगल करेंगे कोई एक वर्ड टाइप करेंगे और आपको जो है मतलब एक समुद्र कह लीजिए मिल जाएगा, ओशन मिल जाएगा इंफॉर्मेशन का, ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन ही विल गेट। तो उस ओशन में से आपको सिर्फ मोती निकालना है। मोती कैसे निकालेंगे जब आपको ये पहचान होगी कि असली मोती होता कैसा है ना। ऐसे तो मोती बाजार में बहुत है और उसमें पत्थर भी बहुत है समुद्र में, लेकिन हमें जब ये पहचान ही नहीं होगी कि मोती की चमक कैसी है, मोती का वेट कितना है, तो हम मोती नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए जो है हमें एक एक चीज को बहुत चुन के, एक एक कॉन्टेंट को बहुत चुन के जो है सिलेक्ट करना है। तो ये पैरामीटर्स आप देख पा रहे होंगे, पहला पैरामीटर है फैक्चुअल एक्यूरेसी का। फैक्चुअल एक्यूरेसी का मतलब ये हो, इसको हमने डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है कि अगर हम कोई फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस के सामने तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। कैसे एक्यूरेट होना चाहिए उसका आप देख रहे होंगे, 1.1 पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है और यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया हुआ है येस और नो में। तो रिव्यूअर को जो भी लगता है, यानी जो भी इस कंटेंट को इवेल्युएट करता है, उसको जैसा भी लगता है कि हाँ कंटेंट जो है फैक्चुअली एक्यूरेट है या नहीं है, उस पर टिक लगाएगा और यहाँ पे जो है अपने रिमार्क्स लिख देगा। तो एक वन ऑफ द पैरामीटर इज ऑफ फैक्चुअल एक्यूरेसी। और उसके बाद आप देखते हैं देन द सेकंड पैरामीटर इज लीगल यूज ऑफ प्राइम प्रोप्राइटरी ई कंटेंट।
लीगल यूज ऑफ प्रोप्राइटरी कॉन्टेंट, विच मीन्स द कॉन्टेंट वी शुड बी शुड नॉट यूज प्रोप्राइटरी कॉन्टेंट विच इज अनऑथराइज. ऐसा कोई भी कॉन्टेंट पीस नहीं यूज करना जो कि अनऑथराइज हो. तो ये भी एक इसका क्राइटेरिया है, एक पैरामीटर है ई कॉन्टेंट इवैल्यूएशन का. देन द थर्ड वन इज कंटेंट पीस फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिच. वो जो भी कंटेंट पीस आप ले रहे हैं, सपोज आपने ऑडियो लिया है या कोई वीडियो लिया है, उसको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का टेक्निकल ग्लिच नहीं होना चाहिए. अब टेक्निकल ग्लिचेस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसके कुछ हम यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि साउंड इज इन सिंक विद विजुअल. यानी अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी साउंड आगे जा रही है, वीडियो आगे जा रहा है, वीडियो पीछे जा रहा है, या फिर वीडियो जो है साउंड आगे निकल गई और वीडियो पीछे रह गया. तो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल इन सिंक होनी चाहिए. देन टेक्निकल ग्लिच में ये भी इंक्लूड होता है दैट देयर इज जनरल यूजेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रेंडरिंग एंड विजुअल एक्सपीरियंस. तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी है कंटेंट क्रिएट करते वक्त भी और कंटेंट को इवैल्यूएट करते टाइम भी. देन द फोर्थ वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुरी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंटेंट. इसका आप देखिए हर पॉइंट का जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे इंक्लूड करें, 10 पैरामीटर्स, सबका एक्सप्लेनेशन दे रखा है ताकि जो भी इवेल्युएटर है, जो रिव्यूअर है, वही समझ जाए कि इस पैरामीटर से क्या उम्मीद की जा रही है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैचुरी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंटेंट, इसका मतलब ये कंटेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन. फॉर एग्जाम्पल, एडियरिंग टू फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज should not promote stereotypes or derogatory depictions based on caste, class, gender, community, ethnic groups, religions, etc. तो ये सारी चीजें कभी कभी क्या होता है कि अनजाने में कोई भी किसी ऐसे बहुत सारे कंटेंट आते हैं कि कोई जानबूझ के ऐसा नहीं चाहता कि किसी को हर्ट करे, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसा शब्द या तो उसमें आ जाता है कंटेंट में, या कोई ऐसी लाइन आ जाती है, या कोई ऐसा सीन आ जाता है जो कि बहुत ही डेरोगेटरी होता है या जो भी कास्ट, क्लास, जेंडर बाइज्ड होता है. तो जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं कंटेंट जो, तो आपको बहुत ही माइन्यूटली ये देखना है कि वो कंटेंट कितना अप्रोप्रिएट है. और ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है इवेल्युएटर की. अटेंडेंस लिंक ऑन है भाई, अटेंडेंस आप लगा दीजिएगा, 5 बजे तक अटेंडेंस लिंक ऑन रहेगा. अनीता अटेंडेंस लिंक डाल दो एक बार और. Then the next one is correspondence with topics, subtopics covered in the textbooks. यानी जो भी create content, जिस भी content का आप evaluation कर रहे हैं, it should be correspondent with the topics and subtopics covered in the textbooks. अब इसका explanation भी नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं the relevance of the content piece with the topics, subtopics mentioned in the textbook. ऐसा कोई भी टॉपिक आपको नहीं उठाना है, ऐसे किसी भी कोई भी कंटेंट है, तो हमारे पास ही बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो किसी भी टेक्स्ट बुक से अलाइन नहीं होते, किसी भी चैप्टर से अलाइन नहीं होते, बस कंटेंट होते हैं. तो हमारे पास जो है इसमें इवेल्युएटर को ये देखना है कि रेटिंग करनी है इसमें कि कंटेंट एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, पुअर है या वेरी पुअर है. और जो आप रिमार्क के कॉलम में देख रहे हैं, यहाँ पर रीजन लिखना है कि इफ आई एम thinking that this content is excellent, then why I am saying the content is excellent. यहाँ पे उसे reason लिखना है कि why the content is excellent, why it is very good, and if it is poor, then why it is poor. How I can say that the content is poor. तो उसका reason लिखना है. Then the next one is छठा, अगर आप देखेंगे pedagogic and andragogic structure, इसका भी explanation इसमें दे रखा है. आप हमारी वेबसाइट पे टूल है, पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप इसको और डिटेल में माइन्यूटली आप पढ़ लीजिएगा, और जो भी सवाल होगा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेंगे. एग्जाम्पल किस चीज का बताऊं मैं आपको, चलिए मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगी, तब आप मुझसे इंटरेक्शन कीजिएगा, क्योंकि इसमें कभी कभी समझ में नहीं आता चैट बॉक्स में क्या क्या पूछना चाह रहे हैं. जी, जो छठा पैरामीटर है पेडागॉजिक एंड एंड्रागॉजिक स्ट्रक्चर, उसमें भी रेटिंग का हमने एक ऑप्शन रखा है जिसमें इवैल्यूएटर जो है वो रेट करेगा कंटेंट
कंटेंट को। सेवेंथ इज लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कि लैंग्वेज कैसी यूज की जा रही है, और लैंग्वेज यूज की जा रही है तो क्या वो कॉम्प्रिहेंडेबल है या नहीं है। सो इसका एक्सप्लेनेशन है, कंटेंट शुड हैव नो ग्रामेटिकल एरर्स, कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन अ मैनर व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल एज पर द ग्रेड लेवल ऑफ द लर्नर। अब मैंने कोई फिफ्थ क्लास के लिए, सिक्स क्लास के लिए कोई इंग्लिश का एक कंटेंट मैं बना रही हूँ, और उसमें मैंने जो लैंग्वेज यूज करी इंग्लिश, वो बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश यूज कर ली। मेरे पांचवी क्लास के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो वो अंग्रेजी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैंने अपना कॉन्टेंट इतना अच्छा बनाया कि मुझे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। जो भाई कंटेंट मेरे लिए नहीं बनाना, बच्चों के लिए बनाया, तो मुझे ये चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे ऐसे लफ्ज उसमें इस्तेमाल करने हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं जो मेरे सरकारी स्कूल के पांचवी क्लास के बच्चे को समझ में आ जाए। तो हम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि टारगेट ग्रुप का ध्यान रखना है, लैंग्वेज का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें अब देखिए हमने यहाँ पे उन पैरामीटर्स को जो है इस टूल के अंदर इंक्लूड किया है। तो अब इस पैरामीटर पे अगेन फिर जो इवेल्युएटर है वो रेटिंग करेगा और अपना एक्सप्लेनेशन लिखेगा। देन फॉर्मेट ऑफ द कंटेंट प्रेजेंटेशन, की किस फॉर्मेट में जो है कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर इंस्टेंस अ कंटेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन वुड स्कोर लो ऑन दिस क्राइटेरिया इफ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वुड हैव बीन एन एक्सपेरिमेंट। तो हमें ये देखना है कि फॉर्मेट क्या है, कोई हम एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं अपना वर्चुअल लैब का, कोई एक्सपेरिमेंट हमने क्रिएट करा है बच्चों के लिए, या हमने कोई आपने कोई जो है अपना वॉइस रिकॉर्डिंग करके कोई आप इवेंट बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, तो क्या फॉर्मेट आपने यूज किया है, उसका एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है। देन द पेस ऑफ द प्रोग्राम, पेस ऑफ द प्रोग्राम का मतलब यह हुआ द कंटेंट इज एप्रोप्रिएटली पेस लीडिंग टू द ईज ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि कोई भी कंटेंट जो आप बच्चों तक पहुंचा रहे हैं उसका जो स्पीड है, बहुत ना तो बहुत ज्यादा बहुत फास्ट होनी चाहिए, ना बहुत स्लो होनी चाहिए। स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आपका बच्चा, यानी आपकी जो भी ऑडियंस है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो आपका कोई कलीग है, चाहे वो आप किसी भी अपनी मीटिंग के लिए बना रहे हैं, तो जिस भी ऑडियंस के लिए आप बना रहे हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट पेस उस प्रोग्राम का होना चाहिए। देन द लास्ट वन इज ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, कंटेंट ऑफ अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन टू सस्टेन अटेंशन ऑफ द लर्नर। ड्यूरेशन का मतलब यही हुआ, जैसे आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि कोई भी प्रोग्राम का जो अवधि है वो ड्यूरेशन है, वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी देखेंगे कि भाई कोई कंटेंट अगर आप देखने बैठे, जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग देखते रहते हैं, तो छोटी छोटी सी रील्स आती है, छोटी छोटी रील्स क्या होती है, फटाफट देख के आप क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को कोई ऐसा कंटेंट दिखा रहे हैं, कोई ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जो 10 मिनट की होगी, जो उसका ड्यूरेशन जो है, जो उसकी अवधि जो है बहुत लंबी होगी, तो बच्चा क्या करेगा? आप पहले तो उसे बोलेंगे यस क्लास प्लीज साइलेंटली वॉच दिस वीडियो, आप क्लास को चुप भी करा दी और आपने कहा ऐसे देखो 10 मिनट तक, है ना? तो भाई छोटा बच्चा, उसका तो स्पैन, अटेंशन स्पैन इतना नहीं है ना कि वो एक जगह अब जो है देखता रहेगा और वो चुप भी रहेगा। तो बच्चे क्या है, इसका मतलब ये है कि कंटेंट का अवधि इतनी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को, बच्चा जो है बोर हो जाए, या आपका टारगेट ऑडियंस जो भी है वो बोर हो जाए। अवधि उतनी आप रखिए कि कम अवधि में आपने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचा दी, और वो भी एक इंटरेस्टिंग मैनर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टूल। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। वो हमारे पैरामीटर्स जैसे जो भी हमने डिस्कस करे थे, ये वाले सारे पैरामीटर्स थे इन डिटेल। ये इवैल्यूएशन टूल है, इसमें वही सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन बस इसमें क्या है, येस और नो में हमने लिखा है, ताकि जो इवेल्युएटर है, जो रिव्यूअर है, वो इसमें अपना रिमार्क्स लिख दे, वही सारी चीज है। और इसमें रिव्यूअर के लिए, इवेल्युएटर के लिए नोट भी हमने दे रखा है। देन द थर्ड वन इज इवेल्युएशन एज पर फॉर्मेट। तो अभी जो मैं आपको बता रही थी कि हमने, मैम ने भी बताया था कि हमारी बहुत सारी गाइडलाइंस है, और उसमें ई कंटेंट डेवलपमेंट की एक गाइडलाइन भी है जो एनसीईआरटी ने डेवलप करी है। उस ई कंटेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट गाइडलाइन को अगर आप देखेंगे, तो उसमें असेसमेंट का टूल दिया गया है फॉर्मेट टाइप, मतलब क्या
कंटेंट और फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग कैसे इवेल्युएट करना है, वो पूरा स्केल इसमें दिया गया है। ये असाइनमेंट के लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि असाइनमेंट आप कैसा दे रहे हैं, मतलब बच्चों को असाइनमेंट तो हम सब्जेक्ट बेस्ड देते हैं ना, तो ये टूल तो हमारा ई कंटेंट के लिए है, ये असाइनमेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे फॉर्मेट टाइप में आपको ये टूल दिखाना चाह रही थी, तो ये ऑडियो के लिए है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देखिएगा ये वीडियो के लिए है, और आप देखेंगे इसमें ये लिकर्ट स्केल एक डेवलप किया गया है। लिकर्ट स्केल में स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें के यूजर जो है वो रेटिंग करता है। तो ये वीडियो के लिए हो गया, फिर ये मल्टीमीडिया के लिए है, ये तीन फॉर्मेट्स का दिया गया है। ये आपने कल जीता मैम के सेशन में समझा होगा एडी मॉडल, तो इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी। कोई भी ई कंटेंट अगर हम डेवलप करते हैं तो एडी मॉडल का यूज किया जाता है। अगर आप इससे फेमिलियर नहीं तो बताइए, मैं ये भी एक्सप्लेन आपको कर दूंगी। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ये कल अजीता मैम ने डिस्कस किया था एडी मॉडल, जब कल अजीता मैम का इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग का सेशन था। तो सबसे पहले नीड एनालिसिस किया जाता है कि किस किस तरीके का कंटेंट का रिक्वायरमेंट है। नीड एनालिसिस के बाद डिजाइन किया जाता है कंटेंट का, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो आप कोई कोर्स डेवलप कर रहे हो, चाहे वो एक छोटा सा आप कंटेंट डेवलप कर रहे हो, या कोई भी चीज अगर आप डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले नीड एनालिसिस करेंगे, फिर उसका एक डिजाइन बनाएंगे या उसका एक फॉर्मेट बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे। फ्रेमवर्क बनाने के बाद आप डेवलप करेंगे उस पर्टिकुलर कंटेंट को, और फिर उसका आप ट्राई आउट करेंगे, या इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले ट्राई आउट किया जाता है, ट्राई आउट के बाद फिर उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और उसके बाद अप्लाई किया जाता है। तो कोई भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होता, एप्लीकेशन करने से पहले आपको ट्राई आउट करना पड़ता है। ट्राई आउट के बाद जो भी रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, उन रिजल्ट्स की बेसिस पे आपको अपने कंटेंट को, जो भी वो कंटेंट है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोई मल्टीमीडिया है या कुछ भी है, उसको आप इम्प्रूव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, और फिर उसको पब्लिक ऑडियंस तक आप पहुंचाएंगे। ये मैंने आपको बहुत ही छोटे उसमें बताया, डिटेल में कल मैम ने बताया था। फिर हो गया क्वेश्चन एंड डिस्कशंस, यहाँ तक हो गई हमारी ई कंटेंट इवेल्युएशन का बातचीत खत्म। अब आपके कोई सवालात हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।